बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दा मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, लास्ट वीडियोस में हमने पहले चैप्टर को कवर किया था, इन चैप्टर नंबर 1 को कवर किया था, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ये बुक का नाम है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी 1947 to 2016 बाय अब्दुल स्तार। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे, फॉरेन पॉलिसी बिगनिंग पाकिस्तान। अच्छा, हम इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो है ना पाकिस्तान की जो भी फॉरेन पॉलिसी थी, तो जो भी हमारे फोर फादर्स थे, तो उन्होंने या जो हमारी पहली पाकिस्तान की पहली लीडरशिप थी, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को किन लाइंस पे सेट किया, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, पाकिस्तान इमर्ज्ड ऑन टू द वर्ल्ड स्टेज ऑन 14 अगस्त 1947 आफ्टर अ टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रगल, फर्स्ट फॉर इंडिपेंडेंस फ्राम कलोनियल रूल एंड सेकेंडली फ्रीडम फॉर दी पीपल ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया फॉर द लूमिंग थ्रेट ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड पोलिटिकल डोमिनेशन बाई अनदर पीपल मैनिफेस्टली डिसमिसिव ऑफ देयर अर्ज टू प्रिजर्व देयर सेपरेट आइडेंटिटी। अच्छा, इसमें जो सबसे ये जो पहला जो लफ्ज़ है वो है टू प्रॉन्ग। टू प्रॉन्ग कहते हैं जो है ना दिस वन, यस इज दिस वन। टू प्रॉन्ग कहते हैं दो जाती, यानी दो हिस्सों में तकसीम, जितनी भी मुसलमानों की जो भी स्ट्रगल थी वो दो हिस्सों में तकसीम थी। कौन से दो हिस्सों में तकसीम थी? एक तो उन्होंने सबसे पहली जो थी उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल की थी, किससे? कलोनियल रूल से। ठीक है, और दूसरी जो उनके लिए उनकी जो स्ट्रगल थी वो किससे थी? फ्रीडम फॉर पीपल ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी, यानी जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे उन लोगों की आज़ादी के लिए, किससे? जो भी इकोनॉमिक थ्रेट था, सोशल थ्रेट था, पॉलिटिकल डोमिनेशन थी, जो भी उन लोगों को दूसरे लोगों से, दूसरी नेशन से जो उनको थ्रेट्स थे उससे जो है ना उनकी आज़ादी थी। ठीक है, नीदर ब्रिटिश किधर गया, यस नीदर ब्रिटिश नॉस्टैल्जिया फॉर मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ द ज्यूल्स इन द क्राउन नॉर द एम्बिशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द डिपार्टिंग कॉलोनियल पावर कन्फर्म टू द इम्पेरेटिव्स ऑफ द डाइंग एरिया ऑफ द सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ रूल द मुस्लिम लीग हैड टू वेज अ लॉन्ग एंड आर टाइम एंड एट टाइम्स बिटर पोलिटिकल बैटल बट द इशू वॉज अल्टीमेटली रिजॉल्व थ्रू एग्रीमेंट। यानी जो मुसलमान थे, जो ब्रिटिश थे और जो कांग्रेस थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन लोगों ने मुसलमानों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश भी कभी नहीं की। ठीक है, क्योंकि वो इनको एज अ नेशन लेते ही नहीं थे, वो इनको एज अ माइनॉरिटी कंसिडर करते थे। ठीक है, लेकिन फिर जो है ना मुस्लिम लीग ने अपनी बहुत बड़ी स्ट्रगल के बाद फाइनली जो है ना अपनी कोशिशों में कामयाब हुए। द ब्रिटिश एंड कांग्रेस लीडर कंसीडर द लीग डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स टू सक्सीड द इंडियन एम्पायर। पाकिस्तान केम इन टू एग्जिस्टेंस through the explicit exercise of the right of self-determination. The people of Muslim majority parts of British India voted directly in referenda or through their elected representative to join the new state. अच्छा, जब मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी स्ट्रगल की, तो अल्टीमेटली फिर ब्रिटिश को और कांग्रेस को जो है ना मुसलमानों की डिमांड माननी पड़ी, और फिर इंडिया सब कॉन्टिनेंट को जो है ना डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, और उसके बाद जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स थी उनके पास ये राइट था कि वो जो है ना अपनी मर्जी से जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने इंडिया की तरफ जाना है या फिर जो है ना पाकिस्तान की तरफ जाना है। ठीक है, ये उनको ऑप्शन दिया गया था। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान वॉज टू बी मोल्डेड इन द क्रूसिबल ऑफ इंट्रैक्शन विद इट्स नेबर इंडिया। क्रूसिबल कहते हैं बहुत मुश्किल इम्तहान। ठीक है, बट इट वॉज इम्ब्यूर फ्राम द स्टार्ट विद द आइडियलिस्टिक विजन ऑफ द स्टेट्स फाउंडिंग फादर्स कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब
The first head of the new state was a man of ideals and integrity, committed to the principle of peace with faith and confidence in human capacity to resolve differences through the application of logic and law. इन जो कायदे आज़म थे, जो फाउंडिंग फादर थे पाकिस्तान के, वो चाहते थे कि जो है ना, जो भी फॉरेन पॉलिसी हम अडॉप्ट करें वो जो है ना लॉजिक और लॉ पे बेस करनी चाहिए. ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है अनदर एग्जाम्पलर फॉर वाज लियाकत अली खान, अ बैरिस्टर हु बिकेम सेक्रेटरी जनरल ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1930s. द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. ही बिलीव लाइक जिना दैट पाकिस्तान शुड बी अ प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पॉलिटी फाउंडेड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ सोशल वेलफेयर, रिलीजियस टॉलरेंस एंड द इक्वल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन. द फर्स्ट फॉरन मिनिस्टर जफरुल्ला खान वाज अ जूरिस्ट ऑफ द रिप्यूटेड एंड थ्रू आउट हिज टेन्योर sought to promote the resolution of a international dispute in conformity with the principle of the United Nations Charter. यानी ये जो भी हमारी फर्स्ट लीडरशिप थी हमारे पाकिस्तान की, कायदे आज़म जो फाउंडिंग फादर थे, फिर जो लियाकत अली खान थे जो कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और फिर जफरुल्ला खान जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के पहले, तो उन सब की जो है ना इन सब का जो है था, एक तो सबसे पहले कायदे आज़म ने कहा था कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो लॉ और उस पे बेस करेगी, लॉजिक पे बेस करेगी. फिर लियाकत अली खान ने कहा कि जो है ना हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए कि वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करनी चाहिए. और फिर जो जफरुल्ला खान थे जो हमारे पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने भी हमेशा मतलब ऐसे ही काम किया और जो यूनाइटेड नेशन चार्टर था उसके प्रिंसिपल को, उसके तहत उन्होंने जो है ना उसको डिफरेंट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की उन्होंने हमेशा कोशिश की. अच्छा, द नेशंस mentors were dedicated practical men with implicit faith in the Muslim community's capacity to end stagnation and build a better future. An early titan was Sayyid Ahmad Khan. टाइटन कहते हैं एक बहुत इंतहाई अहम शख्सियत को. ठीक है, वह सैयद अहमद खान हु बिलीव इन द एक्विजिशन ऑफ एजुकेशन इन इट्स मॉडर्न सेंस टू प्रमोट इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट एंड प्रोग्रेस फॉर ऑल पीपल. जो सर सैयद अहमद खान थे वो बिलीव करते थे कि भाई जो है ना मुसलमानों को जो है ना तालीम हासिल करनी चाहिए एक मॉडर्न सेंस में. ठीक है, और फिर इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट प्रोग्रेस होने चाहिए तमाम लोगों के लिए, ये नहीं कि किसी स्पेशल फिरके के लिए या किसी स्पेशल सेगमेंट सोसाइटी के किसी सेगमेंट के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी में मौजूद तमाम लोगों के लिए इक्वल बेसिस पे होने चाहिए. मोहम्मद इकबाल अ ह्यूमनिस्ट स्कॉलर विद प्रोफाउंड इनसाइट इनटू इस्लामिक एज वेल एज वेस्टर्न हिस्ट्री एंड फिलासफी रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीडेस्टिनेशन एंड एडवोकेटेड कॉन्स्टेंट प्रीडेस्टिनेशन कहते हैं तकदीर. ठीक है, एंड एडवोकेटेड कॉन्स्टेंट ह्यूमन स्ट्राइविंग टू शेप अ बेटर डेस्टिनी फॉर मैनकाइंड. वो कहते वो उन्होंने कहा उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया कि भाई तकदीर पहले से कुछ नहीं है, बल्कि वो इसके हामी थे कि जो है ना इंसान हमेशा कोशिश करके अपने डेस्टिनी को जो है ना बेहतर बना सकता है. His inspiring poetry, widely read in the early 20th century, sought to inculcate the spirit of dynamism in society. Dynamism कहते हैं कि the quality of being characterized by the stronger healthy activity and progress. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी पोइट्री के ज़रिए से लोगों के अंदर जो है ना एक इस प्रोग्रेस का एक उन्होंने जो है ना वो स्पिरिट जगाने की कोशिश की. होल्डिंग आउट द विजन ऑफ इस्लाम एज अ प्रोग्रेसिव फेथ, इकबाल आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ रिवाइवल एंड द एक्टिव यूज़ ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्रिन ऑफ इज्तिहाद. वो कहते हैं कि इज्तिहाद की हमें हर दौर में ज़रूरत होती है और इसको रिवाइव होना चाहिए. ठीक है, एज अ मीन्स ऑफ अडाप्टेशन ऑफ टेम्पोरल लॉज टू रिजॉल्व द सोशल डायलेमा कहते हैं उलझाओ को. ठीक है, अराइजिंग फ्राम द प्रोग्रेस इन साइंस एंड इंडस्ट्री. वो कहते हैं कि जूं जूं दुनिया प्रोग्रेस करती जा रही है साइंस और इंडस्ट्री में, तो
हमारे जो टेम्पोरल लाज यानी जो दुनियावी लाज है, जिन लाज के जरिए से हम जो है ना डिफरेंट चीज़ों को हम डील करते हैं, तो उनको जो है ना इज्तिहाद के ज़रिए से हमें जो है ना उनको चेंज करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, और वक्त के साथ साथ उनको चेंज होना चाहिए। तो ये थी ये इस सारे पैराज में ना हमने पढ़ा, एक सबसे पहले हमने कायदे आज़म का पढ़ा कि उनके क्या थे ख्याल थे, फिर हमने लियाकत अली खान जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, फिर हमने ज़फरुल्ला खान का पढ़ा, उसके बाद फिर से सैयद अहमद खान एंड देन अल्लामा इकबाल का, ठीक है। अब सब देख लेते हैं कि फाउंडिंग फादर फिगर उनका क्या विजन था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। इन द वन ईयर ही लिव्ड आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिन्ना लेड द फाउंडेशन ऑफ सो मेनी इंस्टीट्यूशन एंड प्रोक्लेम प्रिंसिपल ऑफ इंडियोरिंग वैल्यूज इन सो मेनी डाइवर्स अफेयर ऑफ स्टेट रेंजिंग फ्राम एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिकल एंड इकनॉमिक टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड फार्मूलेशन ऑफ फॉरन पॉलिसी दैट पीपल मार्वल एट हिज जीनियस एज वेल एज फील मोर एक्यूटली द सेंस ऑफ द लॉस मोर एक्चुअली द सेंस ऑफ द लॉस एट ऑल टू ब्रीफ टाइम प्रोवाइडेंस अलाउड हिम टू गाइड द न्यू स्टेट। अच्छा, जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना एक साल के बाद उनकी डेथ हो गई थी, उनके वफात पा चुके थे वो, लेकिन उस एक साल के दौरान उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की बुनियाद रखी और फिर उनको जो है ना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी दे दिए कि किन प्रिंसिपल के साथ उन्होंने काम करना है, और फिर डिफरेंट अफेयर्स में उनको गाइड भी किया, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिकल और इकनॉमिक और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाले, मतलब इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मुसलमानों को गाइड भी किया, और जो है ना क्योंकि ये भी बताया कि आपने फॉरेन पॉलिसी अपनी कैसे फॉर्मुलेट करनी है। अच्छा, जब उनकी डेथ हुई तो बहुत ज़्यादा लोग इस दुख में थे कि भाई उनको एक नई स्टेट जो कि उन्होंने इतनी कोशिशों के बाद मुसलमानों को लीड करने के बाद उन मुसलमानों ने हासिल की उन्होंने कायदे आज़म की लीडरशिप के अंडर, तो वो इस स्टेट को गाइड किए बगैर गाइड करने के लिए उनको जो है ना बहुत कम टाइम मिला, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा दुख में थे। मैनिफेस्ट इन द व्यूज जिन्ना articulated in is a modern intellect with a firm commitment to fundamental principle indispensable for the maintenance and promotion of international peace, progress and prosperity of humankind illustrated in the following excerpts from his speeches. अब उनकी different speeches से हमने ये देखना है, ये यहाँ पर बहुत छोटे छोटे उनके वो दिए हुए speeches के टुकड़े दिए हुए हैं, तो हमने देखना है कि उनके क्या views थे कि किस तरीके से हमने अपनी foreign policy को किन principle के base पर हमने अपनी foreign policy को बनाना है। क्या वो कहते हैं कि देयर लाइज इन फ्रंट ऑफ अस अ न्यू चैप्टर, कि हमारे सामने एक नया चैप्टर है, एंड इट विल बी आवर एंडेवर टू क्रिएट एंड मेंटेन गुडविल। एंडेवर कहते हैं दौड़ या कोशिश है, एंड टू मेंटेन गुडविल एंड फ्रेंडशिप विद ब्रिटेन एंड ओवर नेबरली डोमिनेंट हिंदुस्तान। ये वो कहते थे कि हमें जो है ना किस गुडविल में एंटेन करने की ज़रूरत है और फ्रेंडशिप करने की ज़रूरत है, किसके साथ, ब्रिटेन के साथ और हिंदुस्तान के साथ जो कि हमारा नेबर है, अलॉन्ग विद अदर्स सिस्टरली नेशन सो दैट वी ऑल टुगेदर मे मेक अवर ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड। यानी दूसरी कौमों के साथ भी अच्छे ताल्लुक रखते हुए हमें यानी इंडिया को और पाकिस्तान दोनों को मिल के एक बहुत बड़ी जो है ना दुनिया में पीस और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा। ओवर फॉरेन पॉलिसी इज वन ऑफ द फ्रंट लाइंस इन गुड एंड गुड विल टूवर्ड्स ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने ये कहा था कि हमें हर जो है ना कौम की तरफ या हर मुल्क की तरफ हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो किस चीज़ पे बेस करेगी, गुडविल और फ्रेंडशिप के ऊपर बेस करेगी। यही वजह है कि जब अभी जो पाकिस्तान के जो फॉरेन सॉरी एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, तो उन्होंने जब वो इकतदार में आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि हम दोस्ती सबसे करेंगे, ठीक है। तो पहली स्पीच जिन्होंने सुनी होगी तो वो यकीनन उनको याद होगा, वी डू नॉट चेरिश एग्रेसिव डिज़ाइन अगेंस्ट एनी कंट्री आर नेशन, वी बिलीव इन अ प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी एंड फेयर प्ले इन नेशन एंड इंटरनेशनल डीलिंग्स एंड आर prepare to make the utmost contribution to the promotion of peace and prosperity among the nation of the world. Pakistan will never be found lacking in extending its material and moral support to the oppressed and suppressed people of the world and in upholding the principle of the United Nations Charter.
अच्छा, इस स्पीच में ना उन्होंने मेन प्रिंसिपल बता दिए थे अपने फॉरेन पॉलिसी के, कि भाई किस किन प्रिंसिपल के ऊपर हमारी फॉरेन पॉलिसी बेस करेगी। सबसे पहली फ्रेंडलाइंस एंड गुडविल टूवर्ड्स अदर नेशंस, ठीक है, ये प्रिंसिपल्स थे। फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी किस पे बेस करेगी, ऑनेस्टी के ऊपर एंड फेयर प्ले के ऊपर इन नेशनल एंड इंटरनेशनल डीलिंग्स, ठीक है। फिर चौथा जो प्रिंसिपल उन्होंने किया था बताया था वो ये था फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे किसमें, इन प्रमोशन ऑफ पीस, ठीक है। यस, हाँ, हम पीस को प्रमोट करने के लिए हम अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि जो पाकिस्तान की जो सपोर्ट होगी वो हमेशा ऑप्रेस्ड और सप्रेस्ड लोगों के साथ होगी, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर को मद्देनज़र रखते हुए हम हमेशा ऑप्रेस्ड और सप्रेस्ड जो लोग हैं उनकी हम मदद करेंगे। अच्छा, देर इज़ नथिंग दैट वी डिज़ायर मोर आर्डेंटली देन टू लिव इन पीस एंड लेट अदर्स लिव इन पीस, यानी हमारी सबसे बड़ी जो कोशिश है वो यही है कि हम खुद भी अमन में रहें और दूसरों को भी रहने दें, एंड डिवेलप अवर कंट्री अकॉर्डिंग टू अवर ऑन लाइट्स विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। उन्होंने कहा था कि हमें बैरूनी मुदाखलत नहीं चाहिए, जो कि अभी पाकिस्तान में जो हो रहा है देख ले, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी उन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस कर रही है या नहीं, एंड इम्प्रूव द लॉट ऑफ द कॉमन मैन, और कॉमन मैन को हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। जिना कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान एज अ मुस्लिम लिबरल डेमोक्रेटिक एंड मॉडर्न नेशन स्टेट नेचुरली प्रीडिस्पोज्ड हिम इन फेवर ऑफ क्लोज रिलेशन विद डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब उन्होंने जो उनका जो कंसेप्ट था लिबरल और डेमोक्रेटिक और मॉडर्न नेशन स्टेट का पाकिस्तान के लिए, तो इस चीज़ को उनके इस ख्याल को इस जो है ना कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा करीब कर दिया था, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के करीब कर दिया था। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार द मुस्लिम लीग डिसाइडेड अंडर द लीडरशिप टू सपोर्ट द एलाइज अगेंस्ट द फासिस्ट पावर। मुस्लिम लीग ने एलाइज को सपोर्ट किया था वर्ल्ड वार टू में। जिन्ना पेड स्पेशल ट्रिब्यूट टू द यूनाइटेड स्टेट एज हैविंग एक्टेड एज अ बेकन ऑफ लाइट। बेकन कहते मीनार को, ठीक है। उन्होंने कहा था यूनाइटेड स्टेट को उन्होंने कि उन्होंने रोशनी के मीनार के तौर पर काम किया, एंड हैड इन नो स्मॉल मेजर्स सर्व टू गिव इंस्पिरेशन टू नेशन हु लाइक अस वर स्ट्राइविंग फॉर इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम फॉर फ्रॉम द शेकल्स ऑफ द फॉरन रूल। शेकल्स कहते बेड़ियों या हथकड़ियाँ। इक्वल वार्म वर हिज वर्ड्स फॉर द फ्रेंच आइडियल्स ऑफ लिबर्टी फर्टर्निटी एंड इक्वलिटी। यानी उन्होंने फ्रांस के लिए भी इन्हीं अल्फाज का, इसी तरह के अल्फाज का उन्होंने कहा, चुनाव किया था। द सोवियत यूनियन रिकॉर्ड ऑफ रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इट्स फॉरन पॉलिसी ऑफ अपोजिशन टू कलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म इम्प्रेस्ड ऑल एजुकेटेड पीपल। मतलब सोवियत यूनियन की जितनी भी जो भी पॉलिसी थी उसको एजुकेटेड लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था। द सोवियत सिस्टम हाउएवर वाज अनअट्रैक्टिव टू लीग लीडर्स बिकॉज ऑफ इट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम एथियस्ट आइडियोलॉजी एंड स्पॉन्सरशिप ऑफ सबवर्जन इन अदर कंट्रीज। लेकिन जो मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप थी यानी कायदेजम जो थे उनको सोवियत यूनियन की पॉलिसी नहीं पसंद थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रीडम के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उससे एथियस्ट आइडियोलॉजी थी उससे एग्री नहीं करते थे कायदे आज़म। और फिर उसके बाद जो है ना दूसरे कंट्रीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब किया था, इस वजह से वो जो सोवियत यूनियन को कायदे आज़म जो है ना लाइक नहीं करते थे। इसके बरक्स कायदे आज़म प्रेज़ करते थे अमेरिका को, एंड देन फिर उन्होंने फ्रांस को भी बहुत ज़्यादा प्रेस किया था। पाकिस्तान वाज एट फर्स्ट, और यही वजह थी कि उन्होंने वो जो है ना डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ लाइक अमेरिका जैसे कंट्रीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा उनका झुकाव था, लाइक वो बहुत ज़्यादा इनको फेवर करते थे। पाकिस्तान वाज एट फर्स्ट अवर्स टू बिकम, अवर्स कहते हैं मुहालिफ, टू बिकमिंग इन्वॉल्व इन द आइडियोलॉजिकल कॉन्टेस्ट बिटवीन द इमरजेंट ब्लॉक लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट एंड द सोवियत यूनियन। पाकिस्तान जो था वो पहले, मतलब दोनों जो ब्लॉक बने थे यूएस का और सोवियत यूनियन का, उससे मतलब कोई वो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। एज लियाकत अली खान सेड द स्टेट स्टार्टेड विदाउट एनी नैरो एंड स्पेशल कमिटमेंट एंड विदाउट एनी प्रेजुडाइज इन द इंटरनेशनल स्पेस अफेयर। इट वॉज नीदर ट्राइड
tied to the apron string of the Anglo-American bloc, nor was it a camp flower of the communist bloc. Foreign Minister Zafrullah Khan echoed the same thought, saying Pakistan followed the principle of friendship towards all states, but they, with regard to each individual question, standing on the side of fairness and subject to that, to help the succor the weak. ठीक है, जो जब स्टार्ट में जब ये पाकिस्तान बना था तो उसके फ़ौरन बाद वर्ल्ड वार भी अभी अभी ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद फिर जो है ना ब्लॉक बनना शुरू हो गए थे। एक सोवियत ब्लॉक बना था, एक यूएस का ब्लॉक बना था। पाकिस्तान ने स्टार्ट में किसी भी ब्लॉक का हिस्सा बनने का नहीं वो था, मतलब किसी नहीं हिस्सा था। ठीक है, और फिर लियाकत अली खान ने कहा था, जैसे ही उनने कहा था कि जो है ना हम जो है ना कि विदाउट ए नैरो एंड स्पेशल कमिटमेंट, कि उनने किसी ब्लॉक के साथ कोई कमिटमेंट नहीं की हुई थी। ठीक है, अपने उनने इंटरनेशनल स्फेयर में एंट्री की थी, और उसके बाद फिर जफरुल्लाह खान ने भी ऐसे ही किया, ऐसे ही कहा था कि हमारा सिर्फ जो है हम किसको फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फ्रेंडशिप को फॉलो करेंगे टुवर्ड्स ऑल स्टेट, शेयरिंग एन ओवररीचिंग सेंस ऑफ कम्युनिटी विद अदर मुस्लिम पीपल ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान रिमेन ट्रू टू द ट्रेडिशन ऑफ सॉलिडरिटी ऑफ द मुस्लिम पीपल ऑफ ब्रिटिश इंडिया विद द जस्ट काज ऑफ इंटरनल फटरनल नेशंस। रिकॉर्ड ऑफ मुस्लिम लीग सिंस द अर्ली 20th सेंचुरी आर replete with resolutions voicing deep concern over the injustice done by European power to the Ottomans and the Arab countries and extending support to the causes of people of Turkey and Palestine. An admirer of Mustafa Kemal Atatürk after independence, Jinnah recalled the deep sympathy and interest with which the 14 fortunes of Turkey were followed right from the birth of political consensus among the Muslims of British India. Preoccupied with developments in South Asia, the Qaid did not allow the political conflict of the pre-independence period of to cloud his vision. He transcended the bitter legacy and looked with hope and anticipation of a future relation with Britain and India. अच्छा, साउथ एशिया में जो है ना कायदे आज़म ने जब डिड नॉट अलाउ द पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, हाँ उन्होंने कहा था कि जो भी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जितने भी कन्फ्लिक्ट थे उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर उससे उनने ये भी कहा था कि जो जो भी हमारी जो तल्ख किस्म के जो हमारे पास जो हमारी जो लेगेसी है, यानी जो पहले माजी में हम करते आए हैं, उसको हम जो है ना वो नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने एक उम्मीद जाहिर की थी कि हम इंडिया और ब्रिटेन के साथ एक अच्छे रिलेशन में जाएंगे। प्राउड ऑफ achieving Pakistan peacefully by moral and intellectual force, Pakistan leaders hope that law and reason would govern relation between Pakistan and India. Pakistan और India के बीच में अगर कोई चीज़ govern करेगी तो वो law और reason करेगी। ठीक है, equality govern करेगी, ना कि किसी और किस्म का sense of achievement govern करेगी। Jinnah expressed the hope that both countries would adhere to the principle of equality and justice and build peaceful and cooperative relation to the mutual benefit of their people. He said our object should be peace within, peace without. Our object should be peace within and peace without. We want to live peacefully and maintain cordial and friendly relation with our immediate neighbors. Cordial kehte bradrana, theek hai, ya khushgawar kahunga, friendly relation with our immediate neighbors and with the world at large. We stand by the United Nations Charter and will gladly make our full contribution to the peace and prosperity of the world. In another statement, Jinnah said it is of vital importance to Pakistan and India as independent sovereign state to collaborate in a friendly way to jointly defend their frontiers both on land and sea against any aggression, but this depends entirely on whether India and Pakistan can resolve their own differences. If we can put our houses in order internally, then we may be able to play a very great part externally in our international affairs. The Indian government should be shed their superiority complex and deal with Pakistan on an equal footing and fully appreciate the realities.
जबकि इंडिया स्टिल आज 70 साल गुजरने के बाद भी ऐसा नहीं कर रहा. द बॉन्ड्स ऑफ जियोग्राफी वर बी ऑब्वियस इम्पॉर्टेंस इन रिलेशन आल्सो विद अदर नेबर्स. ईरान वाज अ फ्रेंड एंड ब्रदर सो वाज अफगानिस्तान. अच्छा, उन्होंने कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने सिर्फ इंडिया या अमेरिका या फिर ब्रिटिश या फ्रांस से रिलेटेड ही फॉरेन पॉलिसी के ऊपर प्रिंसिपल नहीं दिए थे, बल्कि उन्होंने जो हमारे जो दूसरे ये नेबर कंट्रीज़ हैं इनके बारे में भी कहा था. अब वो इस छोटे से पैरा में देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था. ईरान वाज अ फ्रेंड एंड बॉर्डर सो वाज अफगानिस्तान डिस्पाइट काबुल चैलेंज टू द बाउंड्री अग्रीमेंट इट हैज साइन विद द ब्रिटेन इंडियन गवर्नमेंट एज फार बैक एज 1893 जिन्हा होप दैट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वुड सून सिक्योर एंड स्ट्रेंथन द गुड विल एंड फ्रेंडशिप बिटवीन द टू फटरनल नेशन. सिमिलरली ही एक्सप्रेस्ड वार्मेस्ट गुड विल टूवर्ड श्रीलंका. ठीक है, तो ये दिए थे उन्होंने प्रिंसिपल्स फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड. और अगर देखा जाए, अगर थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनकी भी यही कोशिश थी, वो भी इन्हीं ही प्रिंसिपल्स के ऊपर भी अमल कर रहे थे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में नहीं ऐसा कुछ होता. हर उस बंदे को रास्ते से हटा दिया जाता है जो कि इस पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए कोई काम करता है. तो आप ख़ुद भी देख लें, न्यूज़ देख लें, या फिर उनकी पॉलिसीज़ उठा के देख लें. हर चीज़ मीडिया पे, आपके इंटरनेट पे आपके लिए अवेलेबल है. और फिर खुद ही एक नतीजे पर पहुँचें कि भाई जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, क्या वो इन प्रिंसिपल से हटकर थे या फिर इन्हीं प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर रहे थे जो कि कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने दिए थे. थैंक यू सो मच. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह आगे जो है ना, हम अगली दूसरी वीडियो में जो है ना, हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है. तो हम दूसरी वीडियो में आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तो इसका पार्ट बी भी आएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.